गर्ल्स क्या बताएं, भीड़ बहुत ज़्यादा है और भीड़ होने के कारण की वजह से क्या, हमारे अपने बेटे को लेके आना था, बेटे ने मेरे कहा था चलूँगा, लेकिन टाइमिंग के वजह से हम इधर उधर हो चुके, तो अभी मैं आपको देख आप क्या करें, लेट हो चुके, लेकिन आप भीड़ आप देखोगे तो पूरी भीड़ है, भर चुका है, अभी तो मेरा टाइम भी है बहुत, भीड़ देख रहा है इतनी भीड़ है, वैसे पूरी भीड़ है। अभी अंदर देखते हैं, चलने की तैयारी है, कुछ मिलते हैं इसी से, बाकी तब पता करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, कोई मिलता है कि नहीं मिलता है यहाँ पे, हमारे जानकार कोई नहीं है यहाँ पर कोई, बाकी उधर देखता हूँ कोई मिलता है खास अपना, तो पीछे तो खड़े रहने की जगह मिल रही, लेकिन यहाँ पे पास का चक्कर था, लेकिन हमें मालूम नहीं था पास किसकी, पास के चक्कर है। अब दोस्त मिल चुका था एक, और आप देखो अंदर देखा सूर्य हनुमान खड़े आंखों से आंखें निकल रहे हैं, गंगा यमुना बह रही है, भगवान बोले तो गाइस हम बाबू से रोने के आ रहे तो हनुमान में आ चुके हैं, रोने का कारण क्या है, भगवान बोले तू पूछना चाहते हो, भगवान यही तो रोने का कारण है कि तू पूछना चाहते हो, मैं पता नहीं सकता, हम इतने आगे पहुंच चुके हैं ना, कोई सोचेगा नहीं, दिखाता हूँ मैं आपको, देखो गाइस हम कहाँ पहुंच चुके हैं, बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जिस गुरुदेव भगवान का आप सभी सुबह से भाग्य है, उत्तराखंड की पावन भूमि
देहरादून की देव भूमि में आज सभी संतों के दर्शन हम आप सभी को हो रहे हैं। और साथ ही संत भगवान के दर्शन हम आप सभी कर रहे हैं। और पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का भी आगमन हो गया हमको आप सब। और बागेश्वर धाम सरकार की महिमा के बारे में अपने भाव पुष्प अर्पित करेंगे और इसके बाद फिर आज का दिव्य दरबार प्रारंभ होगा। सभी से मेरा आग्रह है कि जो आप सभी जो सेवादार हैं उनको नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि दिव्य दरबार प्रारंभ होगा। संत भगवान पावन मंच पर ही विराजमान होंगे। मानिए सनातन की अलख जगा रहे पूरे विश्व में पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार, जिनका केवल एक ही संकल्प है कि सभी को राम राम से जोड़ना है और आप सभी के सहयोग से भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय जय जय। श्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा लगने जा रहा है। के बीच में है जोरदार तालियों से मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय बागेश्वर सरकार पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। भारत माता की जय। आज भारत में सर्वसंपदाम लोका विरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमामि हम। देव भूमि उत्तराखंड की पत्री विशाल भगवान की, केदारनाथ धाम की, केदारनाथ भगवान की, गंगोत्री माता की, गंगोत्री माता की। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज जी, ये देव भूमि की जनता जनार्दन श्रद्धा और विश्वास और प्रेम लेकर के आपके दर्शनों के लिए लालायित है। बहुत सुबह सुबह से बैठे हैं आपके प्रति इनका विश्वास। एयरपोर्ट पहुंचे चील गाड़ी में पहली बस यही था। गाड़ी छूट गई, भेजी जाती में कैप्टन परेशान हो जा। आज हमने कहा नहीं, उत्तराखंड में जाना है, टाइम से जाना है, सुबह 7 बजे तैयार, वरना 10-11 बजे तो हमारी ब्रह्म मुहूर्त होता। 7 बजे 9 बजे पहुंचे वहाँ पर। भाई शुरू हो गया, पहली अर्जी दरबार के क्रम में श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार जो स्वीकार हुई है, मन में सभी राम नाम का जप करें। हम दरबार के क्रम में दूसरी डी मतलब ये वाला गाला छोड़कर पीछे वाली डी में एक पूजा नाम की बहन जी विराजमान है। आपकी अभी स्वीकार गलती कर दी भाई। तुम इस पूरी भीड़ में जिसको भी लेकर आओगे ये पर्चा उसी का निकलेगा।
जिसको भी लेकर आओ, लेकर आओ बहुत लोग हो, सुनो पूरी बात। ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? एक बात और, तुम्हारी ये क्षमता नहीं है जिसका हमने पर्चा लिखा, उसके अलावा तुम किसी और को ले आओ, ये तुम्हारी पढ़ाई को चैलेंज है। ये तुम्हारी क्यों गाली पकड़े थे तुम पीछे खड़े? गंगोत्री यमुनोत्री धाम आप वहां से आ गए, एक बार मेरे ऊपर कैसे वाले से हाथ ला दो, मैं धन्य रहा हूं सर। हमने ये डाल भी लिया, हम ये किसी को नहीं दे, और दे जाए तो आप मांगने मत क्योंकि हम ध्यान नहीं रहता। धर्मेंद्र नाम के भाई साहब विराजमान है, हाँ आ जाइए, बाएं हाथ में शिवम नाम का बालक लास्ट की तरफ में खड़ा हुआ है, नजदीक आओ, मुंह सर करो, कहाँ से आए तो क्या प्रदेश है? कहाँ यहीं पर आए थे? उत्तराखंड नागपुर उत्तर प्रदेश दो यूपी में आए, तो एक बार ताली बजा ऐसी अजीत के लिए, हम लोग अपने लिए मानते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और पूछो और महाराज जो भी समाज में प्रवृत्तियाँ हैं जैसे एक दूसरे को शोषण करना इस तरह से, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो, बस हमने तीन बातें लिखी रहा, जैसे सनातन आस्था का महाकुंभ लगा हो, ऐसा मानते हो? ऐसा पहले मानता था, पहले मानता था, कैसे? मैंने ऐसे काफी टाइम मतलब देखा हुआ है टीवी पे, तो इसीलिए तुम्हारे मन में आई बहना, ये पीछे बैठी थी क्या आगे? ओ वाह, मेरी बहन मेरी बहन, रहते कहाँ है? देखा तुम की और क्या समझना चाहेंगे? हमें पता नहीं, हम तो पर्चा लेके पांच मिनट पहले भूल भी चुके। नजदीक है, कोई प्रश्न नहीं बोलेगी, परिवार सुखी रहे, दर्शन करने आए, और कोई इनका जिज्ञासा प्रश्न नहीं है। तुम्हें बार बार आएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी, चाहे सुबह और रात हो, दो दिन यहाँ बैठना पड़े मैं जाऊंगी। आज मेरे बेटे का धाम भी आना है जी, मेरे ये मंत्र है और धाम की पेशी करनी है। पूछ लो कोई बात नहीं, काम काम उस पर क्या चाहते हैं बाला, क्या चाहते हैं? सुधर गया उस क्यों क्या है पिछले डंडा तो वो भाई तो पेड़ों तक है बाहर तो बहुत है टंकी में चढ़ जाना एक बार कसम से कह रहा टंकी उसमें टंकी में फिर वहाँ से देखना तुम जो गोलाई में तुम्हें दिखेगा ना एक काम करते हैं उधर चलते हैं अभी कोशिश करते हैं जगह हम जाएंगे मुख्यमंत्री पे चढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमें चाहने दिया जुगाड़ हो गया वहाँ पर चढ़ने के लिए निकलते हैं बाहर की तरफ बहुत दिक्कत हो गई दिक्कत क्या होगी हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है बाहर निकले भाई साहब और पब्लिक तो समझ जाएगी सारी ये देखना कैमरे में देख तू पब्लिक सारी लाइट की तो बहुत खोल दी ज्यादा खोल दी भाई कितने पगुआ चलते हैं वो भी हमें पता है पगुआ बता दो इसके खुले हम सब कितने लोड होते बता बता सारे आके घर से गए जल्दी बताओ
हम तो आ गए हैं।